हेलो फ्रेंड, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकिंग कैप्सूल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जनरल साइंस का एक सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो आपके रेलवे RPF एग्जाम, LPCVT 2, पुलिस कॉन्स्टेबल, SSC CGL CHSL, CPO MTS या फिर BDO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सारे एग्जामों में से किसी भी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि वातावरण में ऑक्सीजन स्रोत का कारण है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, श्रावण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर श्वसन। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल के अणु टूटकर वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन स्रोत का कारण प्रकाश संश्लेषण। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार के पर्ण हरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर बोरियम। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है। क्लोरोफिल का केंद्रीय तत्व मैग्नीशियम होता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो पर्णहरित में कौन सा तत्व होता है, तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, बांस क्या है। ऑप्शन है जड़ी बूटी, पेड़, झाड़ियाँ तथा घास। दोस्तों, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बांस को देख करके लोग समझते हैं कि एक पेड़ होगा या फिर कोई झाड़ी होगी, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घास। जी हाँ दोस्तों, बांस एक प्रकार की घास है जो पोएसी कुल का सदस्य है। दोस्तों, ये बहुत ही तेजी से वृद्धि करता है और इसमें 12 साल में एक बार पुष्प आता है। तो बांस क्या होता है, तो राइट आंसर होगा घास। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी के सदस्य समानतः होते हैं। ऑप्शन है हरे, भूरे, लाल या फिर पीले। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हरे। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफाइसी हरे शैवालों का समूह है। दोस्तों, शैवालों के बारे में जान लेते हैं। शैवालों के मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्लोरोफाइसी जो हरित शैवाल या हरे रंग के शैवाल होते हैं, दूसरा रोडोफाइसी जो होते हैं लाल शैवाल, तथा तीसरा फियोफाइसी जो होते हैं भूरे शैवाल। तो शैवाल टोटल 3 प्रकार के, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के बारे में पूछा है तो कौन सा होगा, तो हरित शैवाल यानी कि हरे रंग का। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या फिर नियोप्लासिया। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेक्रोसिस। जी हाँ दोस्तों, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहती हैं जो अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तकों का जीवित शरीर में मरना नेक्रोसिस कहलाता है। दोस्तों, नेक्रोसिस के बाद कोशिका एवं उत्तक कुछ हानिकारक रसायन निकालते हैं जो पड़ोस की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को नेक्रोसिस कहा जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है या किया जा सकता है। ऑप्शन है मध्यावस्था, पूर्वावस्था, मेटाफेज या फिर जायगोटिन। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मेटाफेज। जी हाँ दोस्तों, मेटाफेज कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में से एक मेटाफेज में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं यानी कंडेंस्ड हो जाते हैं तथा एक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे अध्ययन में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा मेटाफेज। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि रेबीज क्या है। ऑप्शंस हैं हेलमेथीज की बीमारी, विषाणु की बीमारी, जीवाणु की बीमारी या फिर प्रोटोजोआ की बीमारी। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है जो लाइजा विषाणु द्वारा फैलता है। दोस्तों, यह बीमारी प्रभावित जानवरों के काटने से फैलती है। दोस्तों, सामान्यतः यह कुत्तों के द्वारा फैलती है। यह विषाणु जानवर के लार में उपस्थित होता है। तो रेबीज क्या है, यह होगा विषाणु की बीमारी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं।
दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार कि निम्नलिखित में से किस लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC, ऑप्शंस हैं यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर अपेंडिक्स। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा प्लीहा। जी हाँ दोस्तों, प्लीहा उदर गुहा में उपस्थित होता है जो लाल रक्त कणिकाओं के बनने व हटाने का कार्य करता है और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण भी करता है, तो प्लीहा WBC का कब्रिस्तान कहलाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निकेल धातु से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस हैं इताइटाई, डर्मेटाइटिस, दमा या फिर कैंसर। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा डर्मेटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, निकेल धातु से एलर्जी होती है जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों जब त्वचा हानिकारक निकलधारी किसी वस्तु के संपर्क में आती है तो त्वचा में खुजली वाले दाने, फोड़े फुंसी व छाले होने लगते हैं। दोस्तों इसे ही डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो निकल धातु से कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर होगा डर्मेटाइटिस। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया या फिर विखंडन प्रक्रिया। दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय संलयन सूर्य से ऊर्जा निकलने का मुख्य कारण है। दोस्तों नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक परमाणु के नाभिक जुड़कर एक या एक से अधिक परमाणु नाभिकों का निर्माण करते हैं और ऊर्जा की बृहद राशि मुक्त करते रहते हैं। तो किस प्रक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है, तो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या फिर रॉयटन। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा चैडविक। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा बोरेलियम तथा अल्फा कणों के द्वारा की गई, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है वो एक उदासीन कण होता है, तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर होगा चैडविक। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं आज का सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हम लोगों ने हर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है, और जो 5 पहले सही जवाब करता होते हैं उनका नाम लेकर के हम अपने अगले वीडियो में उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तथा कम से कम 10 बार जो टॉप 5 में आने वाले स्टूडेंट होंगे उनका नाम और फोटो क्रैकिंग कैप्सूल अपने चैनल पर प्रसारित करेगा। तो दोस्तों उसी सीरीज में पिछले वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस थे चार्ल्स गुडियर, मिशेल फैराडे, सर अलेक्जेंडर या फिर विलियम हार्वे। दोस्तों जो उसका राइट आंसर था वो था अलेक्जेंडर। जी हाँ दोस्तों, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। तो दोस्तों जी इसके सही जवाब, 5 सही जवाब करता पहले थे वो थे कुलदीप शर्मा, स्वप्निल सिंधे, जय श्री कृष्णा, जाहुल खान यानी और आजाद खान, वर्षा कुशवाहा तथा योगेश पाल संयुक्त रूप से। दोस्तों एक बार मैं फिर नाम रिपीट करता हूँ, जो पिछले 5 सही जवाब करता थे कुलदीप शर्मा, स्वप्निल सिंधे, जय श्री कृष्णा, आजाद खान, वर्षा कुशवाहा तथा योगेश पाल संयुक्त रूप से। आइए दोस्तों हम आज का आपका सवाल देख लेते हैं जो आपके लिए है। दोस्तों आज का आपका सवाल इस प्रकार की, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है श्यानता, बायल का नियम, गुरुत्वाकर्षण या पृष्ठीय तनाव। दोस्तों आपको करना बस इतना है कि जो भी आपको इसका सही जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे कमेंट करिए, और जो पहले 5 सही जवाब करता होंगे उनका नाम लेकर के हम अपने अगले वीडियो में प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, तथा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।